ABPS News। आज भदोही जनपद के उराई ब्लॉक सभागार में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव भूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जांच के नाम पर प्रधानों का भारी उत्पीड़न बंद नहीं किया जाता है तो हम प्रधान साथी जिले से लेकर लखनऊ तक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने उपस्थित प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक सांसद हम प्रधानों की समस्या सदन में नहीं रखते हैं और ना ही हम प्रधानों के वेतन भत्ते की बात सदन में रखते हैं। गोपाल उपाध्याय ने ओराई विकास खंड के ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग अखिल भारतीय प्रधान संगठन के न्यूज चैनल ABPS न्यूज चैनल के सदस्य बने और अपनी बात लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचाने में संगठन की मदद करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने समस्त प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानों को जांच के नाम पर भारी उत्पीड़न किया जा रहा है और प्रधान साथी जांच से भयभीत होकर अपने ग्राम सभा का विकास नहीं कर पा रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र समाज सेवी मानव अधिकार आयोग महिला की सचिव डॉक्टर बिमला तिवारी ने समस्त प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि सभी प्रधान साथी एकजुट होकर तैयारी करें और शीघ्र ही लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन कर शासन से प्रधानों को अधिकार देने की बात उठाई जाएगी। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र समस्त प्रधान उसे एकजुट होकर संगठन के साथ अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए कमर कसकर मैदान में तैयार रहने का संदेश दिया। बैठक में सर्व दीपक तिवारी, श्रीराम दुबे, नित्यानंद दुबे, सतीश पाठक, राकेश मिश्रा, प्रेम शंकर, सुरेश बिंद, उत्तम दुबे, मुन्ना मिश्रा, डॉक्टर महेश दुबे, अशोक कन्नौजिया, सुरेश सिंह, सुरेश यादव, मणिलाल कन्नौजिया, प्रदीप उपाध्याय, श्रीचंद यादव, कैलाश यादव सहित दर्जनों प्रधान उपस्थित रहे और एक स्वर में हाथ उठाकर प्रधानों के हित की लड़ाई के लिए हर जगह उपस्थित रहने का विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जितेंद्र चौधरी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय को दिलाया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जब लखनऊ में इंसान थाना प्रदर्शन करने की तैयारी करेंगे हो सकता है समय कम लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आयोग की टीम यहां लगी हुई है। मैं बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारे जिले के आयोग कर्मचारी बैठे हैं हमारे बीच में, वो मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या हमारी हमें हमें अहंकार नहीं, मैं आपकी